नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपशिखा गुप्ता। जीएस क्रक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे वेटरन बॉलीवुड एक्टर आशा पारेख के बारे में। तो चलिए देखते हैं आशा पारेख न्यूज़ में क्यों हैं। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर ने अनाउंस किया है कि आशा पारेख को सेलेक्ट कर लिया गया है दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 के लिए। तो 68th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी जो है न्यू दिल्ली में हेल्ड होगा और इसे प्रिसाइड करेंगी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो जूरी ने दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए आशा पारेख को सेलेक्ट किया है। उनकी एग्जेम्पलरी लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन जो उन्होंने इंडिया सिनेमा को दी है। आशा पारेख जो है रिनोन्ड फिल्म एक्ट्रेस हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और एकॉम्प्लिश्ड क्लासिकल डांसर हैं। उन्होंने लगभग 95 मूवीज़ में काम किया है। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत एज अ चाइल्ड एक्टर की थी। उनकी पहली डेब्यूट फिल्म थी दिल देके देखो और बहुत सारी उनकी मूवीज़ थी जो बहुत हिट हुई, कटी पतंग, तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो और भी बहुत सारी मूवीज़। आशा पारेख को 1992 में पद्मश्री अवार्ड भी मिला है और वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की हेड भी रह चुकी हैं 1998 से 2001 के तक। तो जो जूरी मेंबर्स हैं 52nd दादा साहेब फाल्के अवार्ड के वो हैं आशा भोसले, एमपी हेमा मालिनी, एक्टर पूनम ढिल्लन, फिल्म मेकर टीएस नागभरन एंड सिंगर उदित नारायण। तो ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट न्यूज़ दादा साहेब फाल्के से रिलेटेड। फिर मिलते हैं हम आपसे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।